नमस्कार दोस्तों, थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। सरकार के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या जो इन दिनों आकर खड़ी हुई है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी नहीं कहें तो कहें कश्मीर घाटी में जो टारगेट किलिंग के मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसमें लोगों का कहना है कि सरकार क्या कर रही है, लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं, सरकार के शिकंजों की आलोचना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोग दिन पर दिन मरते जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पर हमारी जो सरकार है वो कुछ भी नहीं कर रही है। लोगों का कहना सही है, पर ये बात सरकार के लिए इतनी मुश्किल है, मतलब इतनी आसान भी नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। लोग समझते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, पर ऐसा नहीं है। सरकार कर रही है, पर सरकार के सामने भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिससे कि टारगेट किलिंग रुक नहीं रही है, पर सरकार फिर भी कार्यवाही कर रही है। अब जो लाखों लोगों हैं, लाखों की संख्या में वहाँ जो कश्मीरी हिंदू रह रहे हैं, जो गैर मुस्लिम हैं वो रह रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, उनको नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है। तो लाखों लोगों को जो सुरक्षा मुहैया करानी है यह करानी मुश्किल है, जबकि उनके लिए आतंकवादियों को टारगेट बनाना ज़्यादा आसान है। इसके अलावा जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, वो दो तरह से कर रहे हैं। पहले अपनी मर्जी से कर रहे हैं और दूसरे जो बंदूक की नोक पर कर रहे हैं, जिन्हें डर है कि अगर उन्होंने इन आतंकवादियों की मदद नहीं की तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। तो दो तरह से ये लोग आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं और उन्हीं के कलीग, उनके पड़ोसी, उनके साथ काम करने वाले ही उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और आतंकवादी आकर उन्हें मार जाते हैं। पर इसके अलावा जो पिछले 3-4 सालों में जिस तरह मोदी सरकार ने यहाँ इन अलगाववादियों के खिलाफ जो है एक्शन लिया है, अलगाववादियों के खिलाफ जो एक्शन लेकर इनकी कमर तोड़ी है, वह तारीफ़ काबिल है। पिछले 75 सालों में किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया है जैसा कि मोदी सरकार ने किया है। इनकी कमर पूरी तरह ध्वस्त कर दी है, तोड़ कर रख दी है। पहला इनका आर्थिक तंत्र था, उसको ध्वस्त कर दिया, जिससे इनकी रीढ़ की हड्डी तो टूट ही गई। पर इसके अलावा यह भी सोचने वाली बात है कि ये अब भी अपनी एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं, अपनी जो ये तंत्र है इसको कैसे चला रहे हैं। तो इसके पीछे दो चीज़ों का हाथ है। पहला पाकिस्तान, पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान आर्मी, इनका बहुत बड़ा हाथ है इन अलगाववादियों की एक्टिविटी में। और दूसरा है जम्मू कश्मीर में जो ये परिवार हैं, जो ट्रेडिशनल पार्टी हैं, अब्दुल्ला और मुफ्ती, इन दोनों परिवारों ने का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जिसके बाद ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर को अभी राज्य का दर्जा देना बहुत ही बड़ा खतरे का निशान होगा, बहुत ही बड़ा खतरा होगा। राज्य का दर्जा अभी नहीं दिया जाना चाहिए और ये जो कार्यवाही हो रही है इससे इन दो परिवारों को, जो मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार है, अब्दुल्ला पार्टी है, इनको बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए, इनको इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक खतरा मोल लेने वाली बात है अगर इनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो सरकार के सामने समस्या है कि अगर हिंदू यहाँ से छोड़कर किसी और राज्य में शिफ्ट किए जाते हैं तो इससे एक गलत मैसेज पड़ेगा कि सरकार इन लोगों की सुरक्षा मुहैया नहीं कर पाई, और जो सही भी है क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ हिंदू रहते हैं और इतने लोगों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार के बस में नहीं है। वह बस यहाँ पर रहकर इन लोगों की सुरक्षा के लिए आतंकवादियों को मार सकते हैं, पर इनको पर्सनली सुरक्षा मुहैया कराना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी और बहुत ही बड़ा टारगेट हो जाएगा। जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर केंद्र के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो दौरे पर गए थे, वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ की जनता से बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने एक वादा किया, उन्होंने एक टाइम पीरियड दिया, एक समय दिया, एक वक्त दिया कि आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में यहाँ से आतंकवादियों का बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। आतंकवादियों से जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर कश्मीर घाटी मुक्त हो जाएगी, और उसी की तरफ सरकार ने अभी अपने कदम बढ़ाए हैं और पिछले जो है सालों से चल रही है, सरकार इसी तरफ रुख मोड़े हुए है। इसके अलावा यहाँ पर जो दो पार्टियाँ हैं, मुफ्ती और
अब्दुल्ला पार्टी, इन दोनों की पार्टियों की लोकप्रियता जो आने वाले युवा हैं, जो यहाँ के युवा हैं, कश्मीर के युवा हैं, उनके बीच में घटती जा रही है। इस लोकप्रियता में दिन पर दिन गिरावट आ रही है, जिससे जो पाकिस्तान में इनके जो आका बैठे हुए हैं उनके बीच में भी हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें भी इस बात की टेंशन है कि इन लोगों की लोकप्रियता वहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, तो हमारा राज जो हम यहाँ से बैठकर वहाँ पर चला रहे हैं वो कैसे चलेगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान की हालत है वो आने वाले कुछ सालों में श्रीलंका से भी बदतर होने वाली है। जो श्रीलंका की आज हालत है वो सभी को पता है, सभी जानते हैं, सभी के सामने है कि श्रीलंका की आज क्या हालत है, और वही हालत उससे भी बदतर हालत होने वाली है पाकिस्तान की आने वाले कुछ सालों में, जिसका एक अंदाज़ा जो वहाँ के पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है इमरान खान, उन्होंने पहले ही लगा लिया और पहले ही अपने बयान व्यक्त कर दिए कि भारत पाकिस्तान को 3 हिस्सों में बांटने की तैयारी कर रहा है। भारत ने ऐसा कुछ नहीं कहा है अभी तक, पर उन्हें यह अंदेशा हो गया है, अंदाज़ा लग गया है कि भारत पाकिस्तान को 3 भागों में बांटने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा जैसे ही सरकार ने जो कश्मीर में कदम उठाए हैं, अनुच्छेद 370 स्थिल किया है, 35A हटाया है, इसके बाद जो सरकार वहाँ पर विकास कार्य में लगी है, वहाँ की जो विकास है, आर्थिक विकास बढ़ाया है, उसकी ओर बढ़ रही है, तो वहाँ के युवाओं को भी समझ आने लगा है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें किसका चयन करना है, किसका नहीं करना। उनके लोग, जो कश्मीर के लोग हैं, उनके भी जहन में धीरे धीरे ये चीज़ें आने लगी हैं, वो समझने लगे हैं। लेकिन दो तरह के लोग हैं जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में भरे पड़े हैं। जो यहाँ के अलगाववादी तत्व हैं वो इन लोगों के जद्दोजहन में भरे पड़े हैं, इन लोगों के मन के अंदर भरे पड़े हैं। जो ये हैं, जो यहाँ की सरकार LG की सरकार है, जो भी फैसला वो लेना चाहते हैं, सही फैसला अगर वो लेने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग हैं जो इनके फैसलों में अड़ंगा लगा देते हैं, और इनके जो उच्च फैसले होते हैं, उच्च स्तर के अच्छे जो फैसले होते हैं, जो विकास के हित में होते हैं, यहाँ का विकास जो करना चाहते हैं, उनमें अड़ंगा लगा देते हैं और उन फैसलों को वो लेने नहीं देते हैं। इसके अलावा भी बड़े पैमाने पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें से ऐसे लोगों को छांट कर उनकी चटनी बनाई गई है। भारत सरकार ने ऐसे लोगों को छांटा और उनको या तो रिटायरमेंट दे दिया, परमानेंट रिटायरमेंट, या फिर उन्हें निकाल दिया गया, तो ऐसे ही उनकी चटनी बनाई गई है। पर फिर भी आज भी ऐसे लोगों की संख्या यहाँ पर अनगिनत है, और बड़ी संख्या में जो संख्या है इनको कम कर दिया गया है, पर अभी तक इनका खात्मा नहीं हुआ है। अब इनका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट है कि यहाँ पर जो तरक्की नहीं होने देनी है। इसके बाद सरकार का भी लक्ष्य स्पष्ट है कि यहाँ पर उन्हें तरक्की ही करनी है। इसके बाद जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो सरकार के हित में नहीं होती, सरकार के लिए जो आलोचना का कारण बनती हैं, जो विपक्ष है उसके लिए तो इन कारणों से घी के दिए जल जाते हैं। इतना खुश होता है, बस उन्हें मौका मिल जाता है सरकार के बारे में बोलने का, और वो सोचते हैं कि बस अब तो हम सरकार को पलट ही देंगे, अब हम सरकार गिरा देंगे। पर फिर उन्हें मुँह के बल मिलती है, मुँह के बल गिर पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा करने में वो नाकामयाब रहते हैं। पर इसके अलावा जो ये भारत की सरकार है, केंद्र की सरकार है, अभी अमित शाह और मोदी जी जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं उस तरह 75 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं किया, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। पर आज के बाद भी जो सरकारें अगर आएंगी, वैसे तो यही सरकार रहनी चाहिए जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है, पर किसी भी और सरकार में वो दम नहीं है जो इतने कड़े एक्शन इस तरह से जैसे ये सरकार चला रही है, ऐसे कोई भी तरह इस तरह के एक्शन जम्मू कश्मीर के लिए लिए जाएं, या कैसे भी कदम जम्मू कश्मीर के लिए उठाए जाएं, ऐसा किसी में भी इस सरकार के अलावा दम नहीं है। जिस तरह शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के गोल रखकर यह सरकार जो चल रही है, क्योंकि जो कश्मीर है वह एक बॉर्डर स्टेट है, और जिस तरह यह एक सेंसिटिव स्टेट है,
क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है और जब तक यहाँ पाकिस्तान है तब तक यहाँ की समस्याओं का खात्मा नहीं किया जा सकता, पर इनको कम किया जा सकता है, इनको संभाला जा सकता है। ये जो गुपकार गैंग है, ये जो दो परिवार हैं, ये हमेशा अलगाववादियों के समर्थन में रहते हैं। अपने जो आका जो इनके पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी खुशियों का ख्याल रखने से कभी नहीं चूकते। उनका ये कहना होता है किसी भी फैसले को लेकर के पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू कर देना चाहिए, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हर समय ये पाकिस्तान की ही रट लगाए रखते हैं। ये हमारे भारत देश के ऐसी बीमारी है, ऐसे एक कैंसर है जो इस स्टेज पर पहुंच चुका है जिस पर दवाइयों का कोई असर ही नहीं होगा, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। इसको ऑपरेशन करने के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ऐसे स्टेज पर ये है। इसके अलावा सवाल ये है कि इसका खात्मा कैसे किया जाए, तो इसके बारे में जो लेफ्टिनेंट जनरल डी एस हुड्डा हैं उन्होंने कई सुझाव दिए, जिनमें से पहला सुझाव था कि जो यहाँ पर गैर इस्लामिक हैं, गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू परिवार हैं, उनको जम्मू या फिर जम्मू से भी अलग कहीं पर कुछ समय के लिए शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे यहाँ से जो आतंकवादी हैं उनका खात्मा कर दिया जाए, जो इनकी सुरक्षा को यहाँ पर व्यवस्था की जानी चाहिए, जो यहाँ पर कार्यवाही की जानी चाहिए उसमें आसानी हो। इसके अलावा जो लोग डर से इन अलगाववादियों का साथ दे रहे हैं, जो डर से इनके साथ मिले हुए हैं, उनका डर खत्म करना चाहिए। इसके अलावा जो कश्मीर में एक केपीएस गिल भी आ जाने चाहिए, एक केपीएस गिल की ज़रूरत है। जिस तरह 91 और 1992 में केपीएस गिल ने जब पंजाब में मिलिटेंट पीक पे था तब उन्होंने हैंडल किया, वह तारीफ के काबिल था, तो इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी उनकी आवश्यकता है और एक जो है केपीएस गिल यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए। इसमें हुआ ये कि 91 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ, 92 आते आते यहाँ पर जो सिविलियन और टेररिस्ट के किलिंग के मामले थे वो 90% कम हो गए। इसमें सुविधाजनक ये था कि पंजाब की जो आधी जनसंख्या थी वो केपीएस गिल के साथ थी और इनका साथ दे रही थी। यहाँ पर एक बड़ा वर्ग था जो सिखों का था, वह खालिस्तानियों और आतंकवादियों के डर से उनका साथ दे रहा था। उनमें डर था कि ये लोग हमें भी मार देंगे, इसलिए वो उनका साथ दे रहे थे। इसमें जो सरकार ने कहे या केपीएस गिल ने एक योजना बनाई जो यह थी, अपनी पुलिस टीम से कहा कि ये जो खालिस्तानी हैं इनके बीच में अपना डर कायम करो, पुलिस का डर बनाओ। इसके लिए उन्होंने इन खालिस्तानियों की 3 सूची बनवाई जिसमें ए बी और सी, इन तीनों कैटेगरी में इन्हें बांटा गया। ए में था कि जो शूट टू किल का ऑर्डर था, देखो और मार दो, उन्हें मौका ही मत दो कोई भी कार्यवाही करने का। इसके अलावा जो बी था उसमें था जो रिजिस्ट करे उसको मार दो, उसको शूट कर दो। इसके अलावा जो सी था उसमें था कि इन्हें आत्मसमर्पण का मौका दिया जाना चाहिए, ये जो आत्मसमर्पण करें सरेंडर करें उन्हें मौका मिलेगा। तो आतंकवादियों के बीच भी एक बहस छिड़ गई सी कैटेगरी में आने की, उन्हें सी कैटेगरी में आना था। इसके अलावा जो वहाँ के आईबी प्रमुख थे, जो ए के डोभाल आज जो सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, वो थे, उनकी भी इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही। जो ए के डोभाल की टीम थी वह इन्हें एक्शन इनपुट जो प्रोवाइड करती थी, जिस पर जो केपीएस गिल की टीम थी इस पर एक्शन लेती थी। इनकी जो बड़ी भूमिका थी, उन्हें पता है कि इस केस में जो वर्स्ट केस सिनेरियो था, इसमें कामयाबी कैसे मिली, इनमें उन्हें पता है कि यहाँ पर कितनी कार्यवाही की गई, तब जाकर इनको कार्यवाही करने के बाद जो है कामयाबी मिली। तो अभी जो बैठक हुई है जो गृह मंत्री हैं अमित शाह ने की है, तो उसमें यह भी फैसला लिया गया है कि जितने भी यहाँ पर जो कश्मीर घाटी में लोग रह रहे हैं, गैर मुस्लिम हैं, जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उन्हें घाटी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है,
उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, उनके सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी अब सरकार की है। उन्होंने इस तरफ बड़े कदम उठा दिए हैं आतंकवादियों का खात्मा करने में। पर ये जो स्थिति होती है कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले स्थिति बिगड़ती है, ये वही समय चल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार नाकामयाब हो गई है, सरकार कोई भी फैसला नहीं ले रही है, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है। सरकार अपने एक्शन ले रही है, एक्शन में आ रही है, पर इससे पहले जो ये लोग हैं वो दिए की जो बुझता हुआ दिया है उसकी लौ फड़फड़ाती है, उस तरह ही ये लोग लप लप कर रहे हैं, जो फड़फड़ा रहे हैं। तो इसमें यह बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कर रही है। इसमें समय लग सकता है, पर कितना लगेगा यह मैं नहीं बता सकती, पर समय इन चीज़ों में लगता ही है। तो आज के अंक में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई विषय नई वीडियो के साथ। तो बने रहिए थिंक टैंक के साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ऐसी ही बड़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।